नमस्कार, मैं मिनाली तायल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं हर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट कंटेंट और वीडियो। जैसा कि आपने मेरे पहले की वीडियोस में देखा होगा कि मैं राजस्थान विद्युत विभाग में ENGN की जो पोस्ट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और EIC ब्रांच की टेक्निकल वीडियोज लेकर आ रही हूँ MCQ के थ्रू। तो यहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम बुलन लॉजिक ऑपरेशन देखेंगे। जितने भी हमारे डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू बुलन लॉजिक ऑपरेशन होते हैं उनको किस तरीके से मिनिमाइज किया जाता है, वो सारे क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जनरली बच्चे एग्जाम में इस टॉपिक पे बहुत गलती करते हैं और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर डी से पार्ट आएगा सबसे, तो ये पार्ट जरूर आएगा कि बुलन लॉजिक को हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो आए हम इस वीडियो को ढंग से अटेंड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, इन बुलन अलजेब्रा द और ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय विच प्रॉपर्टीज। और ऑपरेशन किसके थ्रू परफॉर्म होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू, या ऑल ऑफ मेंशन। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी, ऑल ऑफ मेंशन। एक्सप्लेनेशन अगर इसके हम देखें, द एक्सप्रेशन फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए प्लस बी प्लस सी है तो मैं जो इसका एडिशन है ए और बी और प्लस सी को, हम तीनों को अगर ऐड करें तो मैं ए और बी को ऐड करूं उसके बाद सी को ऐड करूं तो भी आंसर सेम होगा, या फिर बी और सी को पहले ऐड करूं फिर उसके बाद ए को ऐड करूं तो आंसर मेरा क्या होगा, सेम होगा। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन में देखें, अगर बी और सी को मल्टीप्लाई करूं फिर उसके आंसर को ए से मल्टीप्लाई करूं, वो आंसर मेरे किसके इक्वल होगा, अगर मैं ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करूं और उसके आंसर को किससे मल्टीप्लाई करूं, सी से करूं, तो ये क्या होती है, मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए प्लस बी करूं या फिर बी प्लस ए करूँ तो आंसर मेरा क्या होगा, सेम करूँगा। मैं 3 + 4 करूँ या 4 + 3 करूँ आंसर मेरा क्या होगा, सेम होगा। इसी तरीके से ए इंटू बी करूँ या बी इंटू ए करूँ तो आंसर मेरा क्या होगा, सेम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आंसर आपको ए प्लस बी सी दे रखा है तो ए में आप बी ऐड करो, फिर ए को अगर ए उसको मल्टीप्लाई करके लिखो, आप ए को सी से ऐड करो तो इसका आंसर क्या होगा, आप भले चाहे ए प्लस बी सी करो या फिर ए को मल्टीप्लाई करके बी प्लस सी करो तो आंसर हमेशा हमारा क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी ही होगा। टोटल आंसर हमारा क्या होगा, ए में अगर हम कोई दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके तीसरे में ऐड करें वो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, डी, इन सभी में हमारा क्या लगता है, और ऑपरेशन लगते हैं। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन फॉर द एब्जॉर्प्शन लॉ इज गिवन बाय, कौन सा लॉ इसमें से दे रहा है कि जिसमें टर्म्स एब्जॉर्ब हो रही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा ऐसा टर्म दिख रही है, कौन सा ऐसा लॉ फॉलो हो रहा है इन चारों ऑप्शन में जिसमें आपको टर्म्स की एब्जॉर्प्शन दिख रही है। एब्जॉर्प्शन की मीन्स टर्म्स हमारे दो दो दे रखी है, उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन दे रखा है इसमें जिसमें हमारे सिंपल एक ही टर्म दे रखी है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए। ऑप्शन में सभी में हमारी एक ही टर्म दे रखी है लेकिन सही फॉलो किसको कर रहा है, ए ऑप्शन फॉलो कर रहा है। द एक्सप्रेशन फॉर एब्जॉर्प्शन लॉ इज गिवन बाय ए प्लस ए बी, अगर ए प्लस ए बी है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर क्या होता है हमारा, आंसर होता है ए। इसको कैसे तरीके से प्रूव करते हैं, ए प्लस ए बी है, अगर ए में मैं 1 + b ऐड करूँ, ए को कॉमन ले लूँ, ए को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 + b, और 1 में हम कोई भी चीज़ ऐड करें डी में डिजिटल लॉजिक्स में तो उसका आंसर क्या होता है, हाई होता है, मीन्स लॉजिक 1 ही शो करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। मीन्स ए प्लस ए बी करूँगी तो उसका हमेशा आंसर मेरा क्या होगा, ए होगा। तो हमारी बी टर्म क्या हो जाती है, एब्जॉर्व हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू बुलन लॉ ए प्लस 1 क्या होता है, अगर ए में मैं 1 को ऐड करूँ तो आंसर मेरा क्या होगा, 1 होगा, ए होगा, 0 होगा या ए होगा, ए इनवर्स होगा। तो ऑप्शन मेरा क्या है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा, किसी भी टर्म को अगर मैं 1 में ऐड करूँ तो हमेशा मेरा आंसर क्या होगा, 1 ही होगा एज पर एज प्रॉपर्टी ऑफ द डिजिटल लॉजिक। अगर किसी भी हाई लॉजिक 1 में मैं किसी कोई चीज़ को ऐड करूँ तो मेरा वो आंसर हाई ही रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, द इन्वॉल्यूशन ऑफ ए इज इक्वल टू, इन्वॉल्यूशन क्या कहता है, किसी टर्म्स को आप इन्वर्स करके क्या होगा आपका आंसर, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए सही होगा। इन्वॉल्यूशन मीन्स डबल इन्वर्जन, हम इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को डबल इन्वर्स करो, ए बार निकालो फिर ए बार का आंसर भी ए बार करो, तो आपको दो बार जब किसी चीज़ पर बार लगता है तो आंसर हमारा क्या आता है, सेम वही जो आता है जो पहले हमारी टर्म्स थी। तो अगर हम दो बार इन्वर्जन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और इसको हम बोलते हैं इन्वॉल्यूशन ऑफ ए। ए प्लस बी को हम मल्टीप्लाई करें ए बार इंटू बी बार तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा बी। डी मॉर्गन थ्योरम्स के थ्रू अगर हम इसको करते हैं, ए बी का बार अगर करें हम तो ए बी का बार क्या होता है, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एडिशन में हो जाएगा, और बार दोनों पे लग जाएगा तो ए बार प्लस बी बार होगा। और ए प्लस बी का अगर हम बार निकालें तो एडिशन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा। यही टर्म्स हमको दे रहे हैं कि अगर हम ए प्लस बी करें तो हमारा ए बार और बी बार आ रहा है, और यहाँ पर ए बार बी बार को अगर हम करें तो हमारी ये टर्म आ रही है, तो टोटल आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए बी वन और वन प्लस ए बी और ए, तो वन प्लस ए बी तो क्या अपने आप में वन ही होना चाहिए आंसर, तो ऑप्शन वन, बी भी वन दे रखा है और सी और डी क्या दे, डी हमको दे रखा है ए, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको दे रखा है ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो ए ही हो जाएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करो तो ए बी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करा हमने, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए बी को ए को ए की टर्म से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या होगा, ए होगा, तो ए प्लस ए बी हो गया। अब इसमें से हम एक कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए कॉमन लिया वन प्लस बी बन गया, तो इसको हम लिख किस तरीके से लिख सकते हैं, वन प्लस बी क्या होगा हमारा, वन होगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी मॉर्गन थ्योरम स्टेज दैट, डी मॉर्गन थ्योरम इन चारों में से कौन से ऑप्शन को बताती है, तो डी मॉर्गन थ्योरम ऑप्शन वन को बताती है कि हम क्या करें, ए बी बार का अगर हम बार लेते हैं तो एडिशन, जो सब हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ए और बी का, वो किस में चेंज हो जाएगा, एडिशन में चेंज हो जाएगा, और जो नॉर्मल कंपोनेंट्स वो किस में आ जाएंगे, हमारे इनवर्स कंपोनेंट में, मीन्स बार कंपोनेंट में आ जाएगा, तो ए बार हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। अगर इसी तरीके से ए प्लस बी होता उसका हम बार निकालते डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू, तो एडिशन हमारा यहाँ किस में चेंज होता, मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता, और सिंपल हमारा क्या बन जाता, हमारा बार फॉर्म में आता, तो ए बार इंटू बी बार हो जाता, तो ये हमारी क्या कहलाती है, ड्यूअल प्रॉपर्टी कहलाती है। और डी मॉर्गन थ्योरम कौन से स्टेटमेंट को फॉलो करता है, ए बी का बार निकालेंगे तो ए बार प्लस बी बार होगा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन, अगर हम इस टर्म का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ऑप्शन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ए बी बार प्लस सी डी का हमको बार देखा, इसका टोटल क्या निकालना है, बार निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, एडिशन है, एडिशन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो ए बार बी का बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा सी डी के बार का बार। अगर डी मॉर्गन थ्योरम से इसको करें तो बार को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इस पे बार लगाएंगे, अगर इसको सिंपल वाले को चेंज करेंगे अंदर वाले को, तो क्या हो जाएगा, ए का डबल बार हो जाएगा प्लस बी बार, और इसी तरह से सी में क्या हो जाएगा, सी में बार आएगा, डी में डबल बार, तो दो चीज बार हम दो बार उसको इन्वर्ट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आता, ए ही आएगा, और इसी तरीके से हम डी को दो बार इन्वर्ट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी बार मल्टीप्लाई विथ सी बार प्लस डी, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नाइन्थ, सिंप्लीफाई वाई इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बार प्लस बी मल्टीप्लाई विथ सी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आंसर क्या होगा, हमको दे रखा है ए बी का बार दे रखा है प्लस ए बार प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, हमने क्या करा, इसमें हमने लगाई डी मॉर्गन थ्योरम, ए बार प्लस बी दे रखा है तो उसको हमने टोटल क्या लिखा है, एडिशन है, किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, और सिंपल इस पर क्या चला जाएगा, बार, तो ए बी का बार का क्या हो जाएगा, होल बार। जब हमने इसको ओपन किया तो हमारा क्या हुआ, ए बी का बार दे रखा है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी सी टर्म्स हो गई, तो ए प्लस बी सी को कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ बी प्लस सी, जो हमने जस्ट अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था, थोड़े टाइम पहले, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए हमारा आंसर आ जाएगा ए बी का बार प्लस सी, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन, क्वेश्चन 10, द बुलियन फंक्शन ए प्लस बी सी इज रिड्यूस्ड फ्रॉम ऑफ, ए प्लस बी सी किस फंक्शन की इन चारों ऑप्शन में से किस के सी रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ए प्लस बी और मल्टीप्लाई विथ ए प्लस सी को अगर हम करते हैं तो इसका रिड्यूस आंसर क्या होगा, ए प्लस बी सी। आए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ ए प्लस सी, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा, ए को ए मल्टीप्लाई करा, ए ए को इससे मल्टीप्लाई करा ए सी, इसको ए को बी से मल्टीप्लाई करा तो ए बी, इसको मल्टीप्लाई करा तो ये बी सी, इसको सॉल्व किया, इसमें से ए कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, वन प्लस सी प्लस बी, लास्ट में क्या बच गया, बी सी, तो वन में कुछ भी ऐड करें तो आंसर क्या होता है, हमारा वन ही होता है, तो क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, ए मल्टीप्लाई विथ वन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सी, तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू आया ये, डी मॉर्गन थ्योरम कम्यूटिविटी प्रॉपर्टी हमने यूज करी, उसको सॉल्व करके हमने देखा तो हमारा ए प्लस बी और ए प्लस सी का आंसर क्या होता है, हमारा ए प्लस बी सी होता है। आशा करती हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, समझ आप इसको ढंग से सॉल्व करें, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारा फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।